Hey दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत अगर आप 2021 में करते हैं तो आप रोजाना के 4,500 रूपए कमा सकते हैं और एक महीने के 1,35,000 रूपए। तो दोस्तों, बिजनेस आइडिया है सीमेंट की ईंट बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे आजकल मार्केट में लाल ईंट की जगह पर ज्यादातर सीमेंट की ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, इसके अलावा इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि लाल ईंट की तुलना में सीमेंट वाली ईंट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, ये जो सीमेंट वाली ईंट होती है वो इको फ्रेंडली होती है। अब इको फ्रेंडली क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाल ईंट जो होती है उसको बनाने के लिए भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भट्टी के अंदर उसको पकाया जाता है और पकाने की वजह से क्या होता है उसमें से धुआं निकलता है जिससे एनवायरमेंट खराब होता है। लेकिन ये जो सीमेंट वाली ईंट होती है इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ईंट बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो जो लाल वाली ईंट होती है उसके अंदर ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और ये जो सीमेंट वाली ईंट होती है इसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं तो मान लीजिए लाल वाली ईंट में अगर 5 लीटर पानी लगता है तो सीमेंट वाली ईंट में आपका 1.5 से 2 लीटर में काम हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो वजन होता है वो भी हल्का होता है। सीमेंट वाली ईंट, एक ईंट का वजन होगा लगभग 2.5 किलो के आसपास, वहीं लाल वाली ईंट का वजन होगा 3.5 किलो के आसपास। अब आप सोचेंगे कि वजन से आपको क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वजन जितना हल्का होगा ईंट बनाते वक्त रॉ मटेरियल उतना ही कम यूज होगा। सीमेंट वाली ईंट के अंदर रॉ मटेरियल कम यूज होता है और लाल वाली ईंट के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इनके प्राइस में भी डिफरेंस होता है। देखिए, सीमेंट वाली ईंट आपको मार्केट में मिल जाएगी लगभग 4 रुपए से लेके 5 रुपए पर नग के हिसाब से और वो आपको मिलेगी 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक। तो दोस्तों, ये जो कारण है ये तो आपके पर्सपेक्टिव से हो गए, मतलब आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर कोई घर बना रहा है या फिर ऑफिस बना रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए इन ईंट का इस्तेमाल करता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लाल वाली ईंट की तुलना में सीमेंट वाली जो ईंट होती है वो लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा दोस्तों, वेस्टेज भी बहुत कम होता है। मान लीजिए आप 100 लाल वाली ईंट मंगा रहे हैं और 100 सीमेंट वाली, तो लाल वाली में से कम से कम 8 से लेकर 10% वेस्टेज हो जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ही टूट फूट जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो वेस्टेज का परसेंटेज होता है वो होता है 2% से लेकर 4% तक। मतलब अगर आपने 100 ईंट मंगाई तो चांसेस है कि उसमें से 2 या 4 ही खराब निकलेगी, लेकिन लाल वाली में 8 से लेकर 10 ईंट खराब निकल सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप सीमेंट वाली ईंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका कॉस्ट कम आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लाल वाली ईंट का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आता है। आप खुद समझ गए होंगे, ईंट का प्राइस भी कम है। इसके अलावा दीवार बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो भी सीमेंट वाली ईंट में कम लगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हीं ईंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीमेंट वाली ईंट का। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको फ्लाई ऐश ब्रिक भी कहते हैं और सीमेंट ब्रिक भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका इस्तेमाल मार्केट में अभी बहुत ज्यादा होने लगा है, तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ईंट को कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको बचता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीमेंट वाली ईंट बनाने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 3 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कॉन्क्रीट डस्ट, दूसरा फ्लाई ऐश और तीसरा सीमेंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पानी की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है और मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सीमेंट वाली ईंट बनाने के लिए आपको कौन सी मशीन खरीदनी पड़ेगी और उस मशीन से आप सीमेंट की ईंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सीमेंट की ईंट बनाने के लिए आपको इस मशीन की जरूरत होगी। मैं आपको बता दूं, इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं एक ही इंसान इस मशीन को कैसे ऑपरेट कर रहा है। इसके अंदर एक डाई लगी हुई है जिसके हिसाब से ईंट बनती है। तो दोस्तों, आप जैसी भी ईंट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको डाई बनानी पड़ेगी।
चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि सीमेंट की ईंट को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये इंसान एक प्लाईवुड को मशीन के अंदर रख रहा है। उसके बाद में मशीन के ऊपर जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है उसके अंदर रॉ मटेरियल है, इसको इस साइड में खींचता है। उसके बाद में रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली डाई के अंदर चला जाता है और उसके बाद में बॉक्स को साइड में कर दिया और सामने ये जो चीज लगी हुई है उसको आगे करके ऊपर से इसको प्रेस किया और यहाँ से इसको लॉक कर दिया। और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं हैंडल की मदद से इसको इसने प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हैं नीचे ईंट बनके तैयार हो चुकी है। तो आप खुद समझ गए होंगे ईंट बनाना कितना आसान है। मैं आपको बता दूं ये जो मशीन है सिंगल फेज पे चलती है और इसके अंदर 1 HP की मोटर है। अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये मशीन 1 घंटे के अंदर 450 ईंट बना सकती है और अगर आप दिन में 10 घंटे भी काम करते हैं तो 1 दिन में आपकी 4,500 ईंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे इस मशीन की मदद से सीमेंट की ईंट को बनाना कितना आसान है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मशीन आपको मिल जाएगी 55,000 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों आपको GST और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना होगा। मशीन आप कहां से खरीद सकते हो मैन्युफैक्चरर के डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट के अंदर स्क्रीन पे भी दे दूंगा तो आप उनको कॉन्टेक्ट करके मशीन खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो एक सीमेंट की ईंट कितने में बनकर तैयार हो जाती है और पर ईंट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है वो देख लेते हैं। एक सीमेंट की ईंट बनाने के लिए आपको 50 पैसे के कंक्रीट डस्ट की जरूरत होगी। फ्लाई ऐश के लिए आपको 50 पैसे खर्च करने होंगे। सीमेंट के लिए 60 पैसा और मजदूरी का हम पकड़ लेते हैं 60 पैसा। बिजली और पानी का हम पकड़ लेते हैं 30 पैसा। तो अगर हम टोटल करें तो हो जाता है 2.5 रुपया। मतलब दोस्तों एक ईंट आपकी 2.5 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगी जिसको आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हो 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मार्केट में ये बिकती है 4 रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच में। अगर इस मशीन से आप 10 घंटे काम करते हैं तो 1 दिन में आप 4,500 रुपए का प्रॉफिट कमा पाएंगे और महीने का हो जाएगा 1,35,000 रुपया। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन की प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 55,000 रुपया प्लस GST और ट्रांसपोर्टेशन अलग से देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन मैन्युफैक्चरर के डिटेल में वीडियो के एंड में दे दूंगा और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप इस मशीन का पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 20% अमाउंट देना होगा बुकिंग के हिसाब से। उसके बाद में जो रेस्ट अमाउंट है 80% वो आपको डिलीवरी के बाद में पे करना होगा। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे अगर आप सीमेंट की ईंट बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप 1 दिन में 4,500 रुपए कमा सकते हैं और महीने का 1,35,000 रुपया। तो दोस्तों अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन मैन्युफैक्चरर के डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। जो नंबर आपको दिख रहे हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है कैसे बढ़ाना है सारी जानकारी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो 2021 में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।